सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। एंड आज वो दिन आ गया है, आज मेरी एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है और बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। सो आज फाइनली मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड मेरे साथ चार मेरे भाई भी हैं, साहिल, देवांश, अर्जुन सर और अरुण भाई। तो अभी यहाँ बहुत ठंड है, तो सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी वेन कराने जा रहा हूँ। कल रात को ही खाया था, जो खाया था मील वगैरह जो दिखाई थी पिछले व्लॉग में, और अभी कुछ नहीं खाया। अभी वेन के बाद देखते हैं कैसा रहता है सीन, तो देखते हैं कैसी कैसी लिफ्ट रहती हैं। ओपनर वगैरह बताऊंगा, ओपनर क्या लूंगा मैं, देखते हैं कैसा माहौल रहेगा, व्यू वगैरह दिखाऊंगा। और अभी नहा के फ्रेश होके चलते हैं हम सब। ब्रेकफास्ट तो बाद में करूंगा, पहले वेन करानी है। और होप सो यार मेडल लग जाए इस बार, एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो तैयार हो चुके हैं हम एंड चलते हैं। अभी बहुत भूख सी लग रही है, रूम की हालत तो बहुत ख़राब है, इसलिए लॉन्डो का यही होता है। और यहाँ से बाहर की बालकनी का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो, वाह मैन, घर कितने प्यारे हैं यहाँ। सो अभी इतना बुरा लग रहा है, यहाँ बुफे लगा हुआ और मैं जो मैं कुछ खा ही नहीं रहा वेट के चक्कर में। दिखाता हूँ क्या सेक्सी लग रहा है बुफे, केक वगैरह सब है। भाई यार मुझे भी खाना, यार क्या करूँ मैं, के साथ गलती कर दी भाई। किसके साथ? कमर के साथ, कमर चटक गई। ओह डे, मैगजीन्स वो, ये स्केटिंग वो है ना, यहाँ पे आइस पड़ती होगी तो स्केट्स। तुम कल क्या बोल रहे हो? स्कीइंग, देखो टाइप राइटर गाइस, भाई 500 मीटर है कोई यहाँ से। ओलंपिया, टॉफीज, टॉफीज मारा तो हो गया, तभी तो तुझे कह रहे हो तुम लेट से। फ्रूट्स खा ले, दही खा ले, अंडे खा ले। ये दोनों इतने हरामी हैं, ये ओपन वेट खेल रहे हैं तो इसलिए खाने जा रहे हैं, और मैं नहीं खा पा रहा कुछ। वेट करा ले। अबे यार मेरे को भूख लग रही है देख के। वाह, उसमें केक रखा हुआ ना, जो इतनी खुशबू आ रही है उसकी कल रात से, माँ कसम भयंकर, अभी तक भूख लग रही है, पता ही नहीं कब बड़ा हो गया। सो अब फाइनली आ चुके हैं हम तैयार होके, एंड चल रहे हैं हम वेन्यू की तरफ। और देखो ठंड है, रोड स्ट्रीट्स। सो गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे, और अभी हमें 500 मीटर जाना है वेन्यू के लिए, 500-700 मीटर चलना है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कहाँ ही कैब टैक्सी मिलेगी। तो चलते हैं, लेट्स गो टीम इंडिया। सो मैंने किर्गिस्तान में एक चीज़ देखी थी, यहाँ पे 90% तो मतलब कोई भी कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल, गाड़ी ड्राइव या फिर कुछ भी करना हो तो फीमेल्स ज़्यादा हैं, मेल्स बहुत कम है, मतलब मेल्स बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। तो देखो खबीब का जिम, मतलब खबीब क्या, हर यूएफसी फाइटर की फ़ोटोज़ में, तो मुझे लग रहा है ये मार्शल आर्ट का डोजो होगा शायद। सो हम शायद लोकेशन में पहुँच चुके हैं, एंड ये रही लोकेशन, ये देखो कोई बड़ा सा हॉल है, शायद स्टेडियम है, हॉल है, पता नहीं, हम अंदर जाके देखते हैं क्या है। एंड सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30, और देख सकते हो यहाँ अभी तक धूप ही नहीं आई बहन, जो ठंड के मारे गांड फटी पड़ी है। सो वार्म अप्स खत्म हो गए, शूट नहीं कर पाया, वार्म अप लिया मैंने 100, 130, फिर 150।
और फर्स्ट अटैम्प्ट स्कोर का 190 है, 190 पिछले कॉम्पिटिशन 185 था, इसमें 190 है तो सही है। अभी देखते हैं स्कोर कैसे जाती है, तो लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। तो ये कैटेगरी स्टार्ट हो गई है, अब मैं बस अपने फर्स्ट अटैम्प्ट का वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो दो तीन बंदे तो पहले दिखे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, तो दिखते हैं, लगता है फाइट होगी कॉम्पिटिशन में, बहुत तगड़ी, नर्वस भी हो। जय श्री राम। हाँ दिखा दे रहे हैं कि हम इंडियन वाले क्या, इंडिया वाले क्या कर सकते हैं। जय श्री राम। हम होगा हमने अपने चलते वही है। यहाँ का खाना पाना इतना गंदा था, तो पहली लिफ्ट में थोड़ा ग्राइंड हो गया, क्योंकि ये जो स्क्वाड बार है इसकी आदत नहीं है, तो देखा ही होगा आपने, मैं लाइट सॉरी लेग्स वाइड करके उठा, जबकि इंडिया में क्या करता हूँ मैं, पहले नॉर्मल लेग्स रखता हूँ फिर पीछे जाके वाइड करता हूँ, तो यहाँ यही दिक्कत हो गई। कोई नहीं, अब सेकेंड लिफ्ट लिखते हैं, सेकेंड लिफ्ट का हम लिखवाइए 197.5, देखते हैं कैसा जाता है, उसके बाद ही देखेंगे कैसा आएगा, तब लेट्स गो। मौसम इतना ठंडा है, बॉडी मतलब एक मिनट में ठंडी पड़ जा रही है। तो अब लास्ट अटेम्प्ट 200 किलो ही लिखा है मैंने, ज़्यादा नहीं लिखा है, सेफ खेल रहा हूँ। तीनों लिफ्ट ख़त्म हो गई और 200 किलो गया लास्ट, एंड बहुत इजी था, RP 8 7 समथिंग, 215 भी इजी था मेरे अंदर, पर लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर आपको पता है टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, 1-2 कभी 1 डिग्री, तो ठंड बहुत है इंडिया के मुकाबले, और तबीयत ख़राब से भी लग रही थी, तो मैंने 200 पे ही सोचा कि 200 ठीक है रहना, फिर बेंच और डेड में देखते हैं। अब एक बंदा था वो मेरी इक्वल था, 197 थी उसकी लास्ट, तो मैंने 200 में सेफ गेम खेला, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं किया, अब देखते हैं बेंच और डेड में क्या होता है। डेड तो कम से कम 250 प्लस तो माननी है, अगर टेम्परेचर ठीक होता तो उस हिसाब से अच्छी भी आ जाती, 220 ही ले लेता अगर थोड़ा ठंड कम होती, पर मज़ा आया, मन में ये चल रहा था जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, एंड बहुत हर कंट्री से आ रखे हैं, मतलब एशियन कंट्रीज है जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुछ बाहर बैठे जिनका भी मतलब ये जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो जिनका हो रहा है वो जल्दी बाहर जा रहे हैं, डेड का वार्म अप कर रहे हैं, मतलब बेंच का जो भी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब बेंच का फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 110 लिखवाया है और डेड का 240, तो देखते हैं कैसा जाता है, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो, जय हिंद। मेडल तो लाना इंडिया के लिए यार, मन में बस एक ही चीज़ है, हारना नहीं है, हारना नहीं है। बहुत लोग कहते थे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेल के क्या हो जाएगा, अब उन्हें एशियन का जब मेडल दिखेगा ना तब पता चलेगा कि क्या और किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, इंडिया को गिफ्ट देना है मेडल, तो लेट्स गो। एंड मज़ा आया स्क्वाड सेशन में, अच्छा था, तो चलते हैं अब। बेंच का वार्म हो गया स्टार्ट,
यहाँ पे मतलब जब लिफ्ट कर रहे हैं बेंच पे तो स्टार्ट नहीं बोल रहे, खुद ही से करना है, बस प्रेस बोलेंगे। और पहला अटैम्प्ट 110 था, अब देखते हैं 117 लिखा है सेकंड, तो देखते हैं कैसा आता है। लेट्स गो। सेकेंड लिफ्ट में बता देता हूँ कितनी थी, 117.5 थी और पास हो गई थी इजीली, मतलब RP5 आई, पर ये भाई ने शूट नहीं करी, कोई नहीं। अब थर्ड अटैम्प्ट 122.5 लिखवा रखा है, जो कि ऑन स्टेज PR होगा, क्योंकि ऑन स्टेज PR मेरा अभी एक या आधे महीने पहले स्टेट में मारा था 120, तो इस बार 122.5 लिखवाया है। देखते हैं इसको ईजिली निकालना है और थर्ड अटैम्प्ट दिखा दूंगा, पता नहीं क्या सेकेंड अटैम्प्ट नहीं बना, पर कोई बात नहीं, यहाँ मज़ा आ रहा है। अभी थर्ड अटैम्प्ट लेता हूँ 122.5। लेट्स गो। जय श्री राम। 122.5 न्यू PR स्टेज पे कंप्लीट। अब डेड लिफ्ट है इसके बाद भी। चलो तीनों लिफ्ट पास हो गए, मतलब सारी लिफ्ट पास करी अभी तक, फेल नहीं हुआ कुछ, तो सही है। तो अभी बेंच स्क्वाट निपट गई है, अब डेड का वार्म अप है और यहाँ पे गेम फटाफट हो रहा है, तो इसमें मज़ा भी आ रहा है। सही है, क्यों मज़ा आ रहा है? अभी इसका है 4 बजे, बहुत ज़्यादा कोई कैप्चर कर लिया गया है मुझे, कोई कहेगा हम दोनों बेंच का ट्रक है अभी एक साथ थे हम। हाँ, पर मेरी दाढ़ी क्यों नहीं आ रही यार भाई? जेनेटिक्स 190 था, 210 लेने का प्लान था, पर वो रोड की ग्रिप बहुत गंदी है, तो अब सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट ही लेते हैं 240, तो देखते कैसे जाता है। लेट्स गो। अचानक से हैमस्ट्रिंग्स पे क्रैम्प और पेन हो रहा है, अब देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाए तो मज़ा आ जाए, पता नहीं यार क्रैम्प क्यों आ गया हैमस्ट्रिंग्स पे, ठंड है ना यहाँ बहुत। बड़ी तगड़ी है, सहार छिल रहा है एंड 240 लिया पहले अटेम्प्ट, अब 250 लिखवाता हूँ, फिर देखते हैं कैसा मूव होता है। ये RP6 आया 6। ओ फक। सेकेंड अटैम्प्ट RP7-8 आया, अब 257.5 है, बहुत ठंडा है, माइनस में बॉडी ठंडी पड़ रही है और नाक भी बंद हो गई शुरू से ही सुबह से। अब लास्ट अटैम्प्ट है 257.5। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय श्री राम मन में चल रहा है एंड एक ही लाइन गुजर रही है मन में बार बार, आरंभ है प्रचंड। Let's go.
तो अभी एक ग्लोवो ऐप है, उससे मैंने खाना ऑर्डर किया। ग्लोवो ऐप किर्गिस्तान में चलता है, KFC और कोल्ड कॉफ़ी। KFC में यहाँ कोल्ड कॉफ़ी भी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि इंडिया में नहीं मिलती। तो अभी इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा होता है इंडिया के मुकाबले। मेरा सिर्फ ये मानना है सो ये कोल्ड कॉफ़ी है KFC की, बहुत टेस्टी है। और अभी बर्गर टेस्ट करेंगे, पर कोल्ड कॉफ़ी तो नंबर वन है। स्टारबक्स से भी बेस्ट, स्टारबक्स से भी बेस्ट। और क्रिस्पी है, पर कॉफ़ी तो नंबर वन स्टारबक्स। फाइनली पहला गोल्ड इंडिया को, सेकंड गोल्ड, दो गोल्ड इंडिया, थर्ड गोल्ड इज कमिंग। अच्छा लग रहा है ना मेडल बहुत? अरे जबरदस्त भैया, फाइनली ऑफिशियली नॉट इंडिया, एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर। एंड अभी गोल्ड है और ये बेस्ट टीनेजर की ट्रॉफी है। अभी डेडलिफ्ट बची है, ये सिर्फ ओवरऑल का है, वो फुल पावर लिफ्टिंग। ये इंडिया फाइनली, जय श्री राम। किसकी वजह से आए तो बता दे। फाइनली गाइज, बेस्ट टीनेज लिफ्टर, डेडलिफ्ट और फुल पावर लिफ्टिंग। एंड फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। फाइनली ऑफिशियली एशियन बेस्ट लिफ्टर। लोग कहते थे स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट खेल के, तो कोई भी मतलब अपने को बड़ा बोलता है। बट जब यहाँ पे अदर कंट्रीज थी उनके साथ जीता हूँ, तो अब कह सकता हूँ मैं आई एम द ऑफिशियली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। अब वर्ल्ड भी होगा एक दिन। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ये सारा मेडल आपके लिए है। मिलते हैं, मैं मीटअप रखूँगा जल्दी सबसे, तो मेडल लेके आऊँगा वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया। एशियन चैम्पियन फाइनली।
मेडल रूम पे पहुंच जाओ। मेरा मेडल कहां है? कंधे पे। अब इंडिया लेके जानी है ये है। बाल मुस्तक ऑरेंज जूस। पैसे देख रहे हो भाई पे। इंडियन फूड खाना है सो अगर आप किर्गिस्तान में, अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो ये गांधी है, कोई गांधी रेस्टोरेंट, पेक्टोफेफ को रेस्टोरेंट कहते हैं। तो यहाँ से आपको इंडियन फूड मिल सकता है, बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा बॉडी स्ट्रेट। हाँ कांग्रेट्स कांग्रेट्स या वेरी गुड। व्हाट इज दिस? इट्स कला। ओके टेस्टी। यू ईट फर्स्ट। या व्हाट इज दिस? ओके चॉकलेट, थैंक यू। सो कल रात बहुत थक चुका था घर आके, क्योंकि पूरे दिन भर वही था, ठंड थी और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो व्लॉग को एंड करते हैं, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है अब कि फाइनली अब कह सकता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खुद को। और कल रात भर रोया, मतलब एक दो घंटे घर वालों को देखा कि बहुत खुश है, आप सबको देखा इतने खुश हो एंड इतना सपोर्ट करते हो, इतना लव करते हो, कसम से बहुत दिल खुश हो गया। मैं सब कसम से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ मैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, कल जब मैं रोया था उसके बाद अच्छी नींद आई। रोने के बाद अच्छी नींद आती है ना, कमेंट से बताना। बाकी 2 तारीख को मैं घर जा रहा हूँ, मतलब दिल्ली फ्लाइट है मेरी 2 की, पहुँच जाऊँगा 2 को। और मे बी मैं मीटअप रख सकता हूँ, मीटअप में आना आप ज़रूर। मैं मीटअप रख रहा हूँ 80-20 है अभी। मेडल भी लाऊंगा, ट्रॉफी भी लाऊंगा, एंड इंडिया से मैं पहला बंदा हूँ जो ट्रॉफी ला रहा हूँ ओवरऑल की, सब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ एशिया की ऑफिशियली इंडिया में। अभी तक टीनेजर्स में कोई नहीं लाया जो कि मैं लाया हूँ पहली बार। एंड ट्रॉफी बड़ी प्यारी यार रखी है, मतलब रात भर से देख रहा था उसे, गूज बम्स अभी तक है। तो एंड करते हैं व्लॉग को। अब आगे जो भी व्लॉग्स आएंगे वो थोड़ा ट्रैवलिंग, थोड़ा फन, थोड़ा मीटअप, एक दो दिन चलेगा तो सही है, फिर वर्कआउट का भी डालेंगे। एंड लव यू ऑल यार, इतना प्यार बनाते रहो। अब वर्ल्ड की तैयारी करते हैं और 700 का टोटल ले जाते हैं इस बार। 1 साल का गैप लेता हूँ या फिर 6 महीने का ट्रेनिंग करता हूँ दबा के। अब 6 महीने बाद करूँगा पावर लिफ्टिंग या फिर 3 महीने बाद, देखते हैं जब मन करे। जब मेरे को लगा कि यार अब टोटल बहुत अच्छा हो गया मेरा, इस कंपटीशन में भी मैंने उतना टोटल नहीं मारा जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा था 620 तक का, तो मुझे जब लग रहा था कि मैं 620 मार सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे सारे बेंच को छोड़ के स्क्वाट और डेड, ग्राइंडर नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं डेड को 265-270 तक ले जा सकता था अगर मैं RPE 10-ish 99.5-ish की सोचता, और स्क्वाट को 215-20 तक ले जा लेता। पर वही है, सेफ प्ले किया मैंने, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन था मेरे बराबर ही चल रहा था। और फिर मैंने बेंच में लीड दी, डेड में लीड दी, तो गेम ओवर हो गया था। और 50-60 बंदे थे मेरी कैटेगरी में कम से कम। मज़ा बहुत आया यार, टफ कंपटीशन बहुत था। एंड अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, सब फ्रेंडली एंड सब एक ही चीज़ कहते हैं, वी लव इंडिया। एंड बहुत प्राउड मोमेंट है सुन के। कल जब मैं 2 मेडल और ट्रॉफी जीत रहा था तो सब कह रहे थे यार कैसे जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं इतनी ट्रॉफीज मेडल्स। फिर सब शॉक हो रहे थे कि जब वो अनाउंस हुआ ना कि बेस्ट टीनेजर ऑफ इंडिया, तो बेस्ट टीनेजर ऑफ इंडिया एंड एशिया का उसने, तो सब शॉक हो गए कि यार मतलब टीनेजर लग नहीं रहा था सबके सामने, ऐसा लग रहा था कि बड़ा सा कोई बंदा है। तो सही है,
होप्स आपको व्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, ऐसे ही आप सबके लिए मेडल लेके आएगा एंड मेडल ला रहा हूँ मैं आप सबके लिए, पार्टी करते हैं, मिलते हैं यार, मीटअप रखना है पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बोल के नहीं करके दिखाओ एंड लव यू ऑल यार, लव यू ऑल। अब आर्म रेसलिंग में या फिर फिजिक में ध्यान देते, थोड़ा बहुत लिफ्टिंग कर ली, मतलब अब थोड़ा वर्ल्ड का टारगेट रखते हैं, अब थोड़ा फिजिक वगैरह पे भी ध्यान देते हैं। तो ये व्लॉग, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, शेयर कर देना, लाइक कर देना, लव यू ऑल, पीस। Now will you join the unity or not? Join.